देखिए दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन को फ्रेंड, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें ओल्ड वर्ड या फिर विषम शब्द पता करना है। हमें चार वर्ड दे रहे हैं, उनके कुछ मीनिंग है। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में जो हमारे तीन वर्ड होते हैं, वो भले ही देखने में अलग लगे, लेकिन उनके मीनिंग सिमिलर ही होते हैं। ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क होता है सिर्फ। और जो हमारा आंसर ऑप्शन होता है ना दोस्तों, उसका मीनिंग उनसे अलग हटके होता है। तो हमें भी फर्क पता करना आना चाहिए, अंतर करना आना चाहिए, ठीक है। पहला वर्ड जो है डिस्टिंग्विश करना, मतलब फर्क बताना। एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे मान लो आपके पास 100 बॉल्स हैं, जिसमें से कुछ हरी हैं और कुछ लाल है। तो दोस्तों, आप डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन सी लाल है और कौन सी हरी है। मतलब आप फर्क बता रहे हो कि भाई ये वाली हरी है और ये वाली लाल है। इस वर्ड को छोड़ता हूँ, तीसरे वर्ड पे आता हूँ, डिफरेंशिएट, मतलब अंतर करना। तो आप अंतर कर रहे हो कि भाई कौन सी लाल है और कौन सी हरी है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करना, ठीक है। यानी कि आप क्लासिफाई कर रहे हो कि ये जो है ये हरी वाली कैटेगरी के अंदर लाई करती है इतनी बोले, और ये जो इतनी बोल है ये लाल वाली बोल सी कैटेगरी में लाई करती है। तो वर्गीकरण कर रहे हो, है ना। वर्गीकरण करना, अंतर करना और फर्क करना। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि भले ही वर्ड अलग है लेकिन की मीनिंग एक जैसा ही है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। अब आता हूं दोस्तों इस वर्ड पे, यानी कि स्कैटर, जो कि हमारा आंसर है। अब ये जो 200 बोल है जिसको आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो, तो इन्हें फेंका भी गया होगा, फैलाया भी गया होगा, इनको कहीं रखा भी गया होगा, इन्हें बिखेरा गया होगा, समझ रहे हो। तो जो स्कैटर वर्ड है, मतलब जो आपने बोल्स फैला दी ताकि कोई आकर के डिस्टिंग्विश करे, ताकि कोई आकर के डिफ्रेंशिएट करे, ताकि कोई आकर के क्लासिफिकेशन करे, तो स्कैटर का दोस्तों बिल्कुल अलग मतलब है। स्कैटर मतलब आप बिखेर रहे हो चीज को, फैला रहे हो, ठीक है। तो स्कैटर का कहीं कोई लेना देना नहीं है फर्क करने, अंतर करने और वर्गीकरण करने में, ठीक है। तो स्कैटर इज ओल्ड वर्ड, स्कैटर या फिर फैलाना हमारा विषम शब्द है, ठीक है। देखिए हमारे अगले क्वेश्चन को दोस्तों, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें संबंधित शब्द बताना, यानी कि रिलेटेड वर्ड, ठीक है। हमें करना क्या है, जो हमें पेयर दे रखा है ना, हमें उसके बीच का रिलेशन समझना है और उस रिलेशन को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, करेंसी है ना, और एक करेंसी का नाम दे दिया आगे, येन। येन कहाँ की करेंसी है, जापान की। करेंसी क्या है, करेंसी मतलब अपने आप एक ब्रॉड कैटेगरी है। देखो, इंडियन रुपीज भी होते हैं, पाकिस्तानी रुपये भी होते हैं, ब्राजीलियन रियाल भी होते हैं, अमरीकी डॉलर भी होते हैं, पाउंड स्टर्लिंग भी होता है, यूरो भी होता है। तो करेंसीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन ओवरऑल जो ब्रॉड कैटेगरी है उसे आप क्या कहोगे, करेंसी, है ना। अब हर कंट्री की अलग करेंसी है, तो करेंसी ब्रॉड कैटेगरी है। उस ब्रॉड कैटेगरी का एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया, येन, ठीक है। तो येन जो है एक छोटा सा एक देश की एक करेंसी है, जो कि करेंसी जो एक ब्रॉड कैटेगरी है उसके अंदर लाई करती है। अगर वेन डायग्राम बनाओ तो समझ लो ये सर्कल करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि दुनिया भर की है, दुनिया भर की कंट्री है, दुनिया भर की करेंसी है ना, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा पार्ट है येन। ऐसे इसके अंदर यूएस डॉलर भी होगा, ऐसे इसके अंदर जो है पाउंड भी होगा, ऐसे ही इंडियन रुपीज INR भी होगा। तो ये ब्रॉड कैटेगरी करेंसी, उसके अंदर एक छोटा जो पार्ट है वो है येन। तो ऐसे ही दोस्तों नेशनैलिटी, अब कोई अमरीकी नागरिक भी होता है, कोई ब्रिटिश नागरिक भी होता है, कोई भारतीय भी होता है, कोई पाकिस्तानी भी होता है। तो इसका मतलब जो नेशनैलिटी है, ये अपने आप में बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है, विशाल कैटेगरी है, जिसके अंदर बहुत सारी नागरिकता आती होंगी। भारतीय होना, अमरीकी होना, ब्रिटिशर होना, पाकिस्तानी होना, बांग्लादेशी होना, है ना। बस अब देखो हमारी कौन सी आंसर ऑप्शन इसके अंदर फिट बैठती है। नेशनैलिटी में पर्सन का तो कोई मतलब ही नहीं, नेशनैलिटी में नेशन का भी मतलब नहीं, जो रिलेशन अभी हमने समझा यहाँ पे वेन डायग्राम से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडियन। क्योंकि राष्ट्रीयता का बड़ी जो ब्रॉड कैटेगरी है राष्ट्रीयता, उसमें भारतीय होना एक राष्ट्रीयता है, ठीक है, एक छोटा पार्ट है इंडियन होना, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों।